के लिए तो बड़े बड़े घर के रिश्ते आते होंगे। पहले ग्रेजुएशन पूरा हो जाने दीजिए, शादी ब्याह के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम सब ये उम्मीद कर रहे होगे कि मैं सुनैना के राज की तारीफों से खुश होकर अपना फैसला बदल दूंगी। तो सुनो, सुनैना आज रात मंदिर की रासलीला प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। तू पढ़ लिख कर अपना घर बसा ले, यही मेरा सपना है। माँ, आपके और पापा के सपने को पूरा करना ही तो मेरी जिंदगी का सपना है। क्या सुनैना डांस कंपटीशन में नहीं जा सकती? कैसे जाने तू प्रिंसिपल साहब, मेरे पास वक्त तो है नहीं। मैं मम्मी को वो ट्रॉफी दिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मम्मी की इच्छा के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण में दो डांसर हैं। अब तुम यहां तक आ ही गई हो तो भूल जाओ सब कुछ। सोचो तो सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में। गड़बड़ क्यों कर दी? तो मैं क्या करती सुजाता? उस लड़की को जलने देती। क्या मतलब, कौन लड़का? सुजाता, मेरी आंखों के सामने बाग के सामने एक लड़का था, उसके दुपट्टे में आग लग गई थी, और उस वक्त उस लड़की की जान बचाना मैंने ज्यादा जरूरी समझा। ठीक है दीदी, अगर तुम नहीं आग बुझाती तो कोई और आके बुझा देते ना, किसी ना किसी की तो नजर पड़ती ना।
पर तुमने वो हाथ आई ट्रॉफी गवा दी। सुनैना बेटी तुम्हें क्या हो गया था, इतना अच्छा डांस कर रही थी और इन वक्त पर तुमने। सुनैना उज्ज्वला ऊपर आ जा। आज इन लड़कियों ने कमाल किया, ऐसा कमाल कि मुझे अतीत में भेज दिया। इस ट्रॉफी को जब मैंने जीता था तो मैं 16 साल की ईश्वरी थी। आज इन्होंने मुझे उसी ईश्वरी की याद दिला दी। एक मिनट, ये तालियां आज की विजेता के लिए बचा के रखिए। उज्ज्वला बेटी, तुम्हें देख के तो ऐसा लगा जैसे साक्षात राधा कृष्ण के प्रेम में डूबी लाश रही। और सुनैना।